हेलो फ्रेंड्स, मानसवी ब्लॉग से मैं डॉक्टर रेखा मिसेस प्रदीप सिंह बोल रही हूँ। मैं आज कुकू के लिए देखिए क्या लाई हूँ, न्यू कपड़े, क्योंकि सर्दियाँ आ चुकी हैं। ये वाली ड्रेस और ये वाली ड्रेस, दो ड्रेस लाई हूँ कुकू को। येलो कलर पसंद है, बब्बू पहनाओ इसको येलो वाली। और ये दो मैक्सी लेके आई हूँ मैं अपने लिए, 1 और 2, मतलब ज़्यादा नहीं है, सस्ती सी है। सारे कपड़े 1300 रुपीस के आए, भरतपुर है, यहाँ पे ऐसे कपड़े मिलते हैं। पहनो बाबू, पहनो कपड़े बताओ। अच्छा, मम्मा से पहनेगा, ये कुकु कुंडल नज्जा लग जाएगी, मेरे बाबू को नज्जा, मेरे बाबू को नज्जा लगेगी। बाबू मेरा प्यारा प्यारा शिव है बाबू। बाबू पता है मुझे इसके कपड़े खरीदने में इतना डर लगता है। नहीं, अच्छे लग रहे हैं, छोटा ना, दोनों सही है, बढ़िया। छोटा है कहाँ, छोटा टाइट आ रहा है। कितने साल का कहा आपने? मैंने उसको बता दिया था। 3 का बोला करो 3 का बोलो, वो मत खोलना फिर, चेंज करवाना शाम को ही। 3 का बुला करो। देखो पजामी इतनी बड़ी है, सुनो बच्चा ये भरता हुआ है, टी-शर्ट इसकी छोटी है, लोग पहना बेटा। उनको बोलते ना फुल साइज दे देंगे ना, 3 साल के बच्चे का। अरे मैंने 5-6 साल का कह के लाई हूँ ये कपड़ा, तो फिर लो बेटे पहनो, कलर अच्छा है, कलर प्यारा लग रहा है, डिजाइन भी अच्छा लग रहा है। कॉल आ रही थी, लगता है इसके ऑनलाइन कपड़े मंगाए थे ना, वो भी। हाँ तो चलो बढ़िया है फिर, तो देख लो टाइट है यार, तो खराब मत करो, चेंज हो जाएंगे। हेलो नमस्ते भैया, हाँ मैं आ गई, दे जाओ इसके कपड़े, आ गए होंगे ना, डायपर आए तो डायपर दे जाओ, ठीक है। कपड़े ना उतार के पैक कर दो, है ना, कपड़े पैक करके उतारो, हाँ जाओ तो चेंज हो जाएंगे। अरे बाबू दिखाना कैसा लग रहा है मेरा बेटा, प्यारा कलर तो बहुत खिल रहा है। ओ क्या कर रही हो, क्या कर रही हो, शर्माता है मेरा बेबी, शर्माता है, मम्मा से कितना प्यार करता है, ऐसे न्यू पहना है। अच्छा दिखा रहा है कि मेरी मम्मा ने न्यू कपड़े पहने हैं। देखते हैं बब्बो क्या कर रही है। बब्बो मैडम क्या कर रही हैं, क्या कर रही हो बब्बू तुम? अपने लाडू के लिए चीनी पीस रहे हैं। ओके, लाडू के लिए क्या बनाया है आपने? लाडू के लिए देखिए भुजिया ऐसे बनती है, ये लाडू की भुजिया है। ये लाडू की रोटी बनाई है आपने? रोटी नहीं बनाई, बनाऊंगी। सुबह से रोटी नहीं खाई इसने? मैगी खाई है जब से ये सो गई। मैगी खाया था बेबी? अट्टा खाओगी, मैगी खाओगी, मैगी तो खा ली ना एक बार, बार बार थोड़ी खाते। अब बताओ आप क्या खाना। देखिए आज हम अपनी माता रानी के दर्शन कराते हैं आपको। जय रही हमारी माता रानी। माता रानी का चेहरा देखिए आप लोग, कितना सुहावना है। ये ज्वारे निकल आए थोड़े थोड़े से, क्योंकि एक्चुअली क्या है इधर कोई भी धूप वगैरह नहीं आती, तो ये थोड़े धीरे निकले हैं, बट
अच्छे निकलेंगे. और माय ऑलवेज जीएस फैमिली और पंचमुखी हनुमान जी जिनका आशीर्वाद हमारे साथ में है और हम जल्दी जीत जाएंगे, है ना कुकू? कुकू देखिए ये कुकू कैसे पूजा करता है, देखा ना कैसे पूजा करती हो आप, ऐसे ये पानी की चीटे मार रही है अपनी माता रानी में. Always be happy. क्या कर रही हो आप बेबी? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द मानसवी व्लॉग. ये शाम का बज रहे होंगे करीबन 7:30. कभी मैंने आपको शाम की ब्लॉगिंग नहीं दिखाई ना. देखो शाम को इस टाइम मेरे घर दूध आता है क्योंकि सुबह मैं ड्यूटी पे चली जाती हूँ, तो इसलिए जो भी काम होता है शाम को होता है. तो ये दूध गर्म हो रहा है, साथ में मैंने माता रानी के भोग के लिए और अपने लिए ये मखाने भून के रख लिए हैं. देखो हल्के से गोल्डन कलर पे, थोड़े से इसलिए भूने क्योंकि बाकी है ना, ज़्यादा भून के रख लेती हूँ ना तो सील जाते हैं. और फिर आपको दिखाती हूँ कि इस टाइम का माहौल मेरे घर का कितना पीस होता है. ये मेरी माता रानी है, ये मेरी जीएस फैमिली है. और आपको कुकू क्या करती है इस टाइम देखिए, अकेले अकेले इसको तो बस टीवी टीवी टीवी. ये कुकू है. हेलो फ्रेंड्स, ये शर्मा देती है. ये हमारे घर शाम का माहौल होता है. देखो कितना ठंडा, ठंडी सी हवा चल रही है. और यहाँ से दिखाऊंगी, ये हमारे घर में चौखट पे सरसों के तेल का दिया जलता है, तो वो दिया जल रहा है. क्या अम्मा को? नहीं, अम्मा ने मना किया है ना ब्लॉगिंग में नहीं दिखाना अम्मा को. नहीं देखो, देखो वो दिया कैसे जल रहा है. देखो ये हमारी चौखट पे दिया इसलिए जलता है कि हम सब लोग घर में जितने भी सदस्य हैं सभी विधि बाधाओं से दूर रहे. इस दिए को मैं जलाती हूँ. कहाँ जाना है, कहाँ जाना है बताओ, हैं? किसको दिखाना है? बाबा को दिखाना है. दिखाएंगे, एक दिन वो टाइम भी आएगा जब बाबा आपके साथ आएंगे. ठीक है, आप चले जाओ.